ऐसी गुमनाम खबरें जिनका है आपसे सरोकार, आपसे जुड़ी वो समस्याएं जिन्हें है समाधान की दरकार। आपकी उस गुमनाम आवाज को हम बनाएंगे अपना मुद्दा। जब विशेष में होगी बात तो जागेंगे जिम्मेदार। देखिए विशेष। सदर प्रखंड के गोविंदापुर गांव में मंगलवार की दोपहर 4 वर्ष का मासूम बच्चा डूब गया, इस वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार वाले उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मिले उसके परिजनों ने बताया बच्चे का नाम प्रियांशु था। वह गांव के बाहर रास्ते की तरफ था, दोनों तरफ पानी भरा है, रास्ता ना के बराबर है, वह पानी में गिर गया। यह किसी ने देखा नहीं। घर में जब उसकी तलाश शुरू हुई तो पता चला वह नहीं है। इसी बीच किसी की नज़र उस पर पड़ी। उसके पिता विनोद राम व अन्य लोग उसे अस्पताल लेकर आए, लेकिन उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। परिजनों ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दी, फिर चौसा सीओ ने परिवार को मुआवजे का आश्वासन दिया, फिर जाकर पुलिस ने परिजनों को पुराना अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। अभी एक बच्चा डूबा है, कैसे डूबा है बच्चा? ये रास्ता नहीं था, अब सब उसी पानी की तरफ से जा रहा था, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, उसी रास्ते से बच्चा जा रहा था, कोई नहीं देखा, चला गया है, पानी में गिर गया था। गिर गया। कब पता लगा कि बच्चा डूब गया? सब बच्चे लोग जा रहा था, बच्चे लोग कोई देखा तो बोला कि भैया पानी में डूब गया है बच्चा, तो हम लोग दौड़े तो खोजने लगे, तो कुछ देर के बाद मिला बच्चा। तो क्या मृत हो गया था उस समय? उस समय मृत्यु पानी फेंक रहा था, हॉस्पिटल में लेकर आए, डॉक्टर साहब बोल दिया कि बच्चा नहीं है। किस गांव से आप लोग? गोविंदपुर से। पिताजी का नाम क्या है इनका? विनोद कुमार राम। ये बच्चे का? प्रिंस कुमार। कितने वर्ष का बच्चा है ये? 7-8 साल के। 7 साल। क्या नाम है आपका? कौन लगेंगे इसका? बड़े पापा लगेंगे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार राम।